दोस्तों आज मैं आप लोगों को और एक जबरदस्त ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका यूज करके आप किसी भी कॉलर आईडी में फोटो के साथ साथ वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुने कि किसी भी कॉलर आईडी में आप फोटो के साथ साथ वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो जब भी कोई आपको कॉल करेंगे तो उसके कॉलर आईडी में वीडियो प्ले होगा। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं व्यासमा जी और आप देख रहे हैं बिबूज वर्ल्ड। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने फोन पर एक ऐप इंस्टॉल करना होगा और उस ऐप का नाम है, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं प्ले स्टोर में। और प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा VYNG। इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करते वक्त अगर कोई भी परमिशंस मांगा जाता है तो आप उसे अलाउ कर दीजिएगा, और अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस ऐप को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से आप किसी भी कॉन्टेक्ट को सर्च कर सकते हैं। और आप जिसके कॉलर आईडी पर फोटो या फिर वीडियो ऐड करना चाहते हैं आप उसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन है एडिट का, आपको एडिट पे क्लिक करना होगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पर एक कैमरा का आइकॉन है, इस पर क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगा और आप गैलरी से कोई भी फोटो या फिर वीडियो चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि फोटो कैसे ऐड करना है। तो आप यहाँ से फोटो पे आ जाइए और यहाँ से कोई भी एक इमेज को चूज कर लीजिए। इमेज चूज करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर दीजिए, तो ये सेव हो जाएगा। तो ये था इमेज कैसे ऐड करना है। अगर आप उसमें वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको वीडियो भी ऐड करके दिखाता हूँ। आपको कॉन्टेक्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको फिर से एडिट पे क्लिक करना है और आपको फिर से इस कैमरा वाला ऑप्शन पे आ जाना है। कैमरा वाला ऑप्शन पे आने के बाद आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से कोई भी एक वीडियो को चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से कोई भी एक वीडियो को फाइंड कर लेते हैं और उसे मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वीडियो है, तो चलिए वीडियो पे क्लिक करते हैं और वीडियो पे क्लिक करने के बाद सेव में क्लिक कर देते हैं। तो जैसे सेव में क्लिक करेंगे ये जो वीडियो है वो कॉलर आईडी में ऐड हो जाएगा और इस आईडी से जब भी मेरे पास कॉल आएगा वहाँ पर वीडियो प्ले होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो ऐड हो चुका है जिस आईडी पर मैंने वीडियो सेट किया है। तो इस आईडी से जब भी मेरे पास कॉल आएंगे वहाँ पर वीडियो सेट हो जाएगा। और इस तरीके से आप अलग अलग कॉलर आईडी में ये अलग अलग फोटो या फिर अलग अलग वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और ये ऐप भी पसंद आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।